Hello guys, welcome to Girls Probably Live on ARY Musik. This is Becks here. Hope you guys are doing well. You can call us live if the calls are going to leave a message on my Facebook page, which is Becks. And my voice is just acting off. But anyways, today's topic is, are you more of a... See, this is what I always do. I keep forgetting the topic. Topic for today is, what are your passions and your goals? Passion, your goals, what you like to do and what you want to do in your future, in your long term, your goals, that what we're talking about today. You can also call us, numbers coming on the screen, guys, and you can just call us, dial the number and start just dialing. And if it's not going through, just keep trying and trying. Eventually, it is going to go through. But anyways, you can also leave a feedback on my Facebook page related to the topic. जो कि आप मुझे करेंगे messages, जो कि मैं last link में या फिर अभी अगर आपके interesting messages मुझे आए जो कि मैं read out कर दूँगी. अब we were just live streaming on ARY Musik. अगर आपको पता है कि हमारा show तो live आता है चार दिन. That is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 o'clock sharp. Or you know, we're always punctual. Just kidding. Anyways, हमारा जो topic आप लोगों के लिए ये है कि do you think that do you have any passion in life? Obviously, हर किसी की life में होता है कि हमारा ये goal है, हमें ये करना है and all that. तो हर किसी के अपने अपने ideas होते हैं और अपने हर किसी के plans होते हैं, हर किसी के different plans होते हैं. Like they wanna be, they wanna do some. पता नहीं है उनके अपने अपने प्लान्स होते हैं. नाउ यू गाइस कैन जस्ट यू नो शेयर योर गोल्स विद अस बाय जस्ट कॉलिंग अस. कॉल करके बताएं कि आपके क्या गोल्स हैं. और हमारे पास कॉल है. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, मैं मुस्फरा बात कर रही हूँ. जी मुस्फरा, मुझे पता था आप कैसी हैं. मैं ठीक हूँ, और यू? आई एम गुड मुस्फरा. ये बताओ कैसा दिन गुजर रहा है. मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, रोजाना की तरह, हमेशा की तरह. बस कल का दिन बुरा गुजरेगा, थर्सडे. So, हाँ, वो आपके जो मैथ्स का, पता नहीं मैथ्स या साइंस के, आपके बहुत सारे. Yes, see, I remember. चलो खैर है, एक ही दिन होता है. You get through it. अच्छा मुस्फरा, ये बताओ कि हमारा जो टॉपिक आज का वो ये है, पैशन या गोल्स. आपकी क्या लाइफ में क्या पैशन है और क्या गोल है आपका? डू यू हैव एनी पैशन? कि क्या शौक है करने का? मुझे दो शौक हैं जो मेरे पक्के वाले हैं, एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर पायलट एंड सिंगिंग. सिंगिंग. अच्छा मुस्फरा, आपने हमें कभी गाना सुनाया या नहीं सुना? मैंने सुनाया था एक दफा. नहीं, आपने हमें नहीं सुनाया, वो कोई और आई थिंक कॉलर थी. अच्छा, मैंने सुनाया. चलें कभी और सुनाऊंगी कभी किसी दिन. अच्छा, अगर वो अभी अगर अभी नहीं, बहुत शाय सी वो मुझे. इट्स ओके, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम. अच्छा ये बताओ, तो गोल्स क्या है? मतलब ये एयरफोर्स और इसको थोड़ा, ये तो आपकी मतलब मेन गोल्स है ना, इसको तो आपने अचीव करना है. लेकिन और जो होते हैं कि हॉबीज रिलेटेड, आप क्या करती हो? मतलब पढ़ाई को भी साइड पर करके क्या शौक, क्या सिंगिंग के साथ साथ और क्या शौक है? जिस तरह लड़कियों को डिजाइनिंग का भी होता है, और यू नो इस तरह कुकिंग एंड स्टफ. मुझे ना मींस कुकिंग में बहुत ज़्यादा मींस केक्स बनाने का शौक़ है, केक्स के ऊपर डिज़ाइनिंग का शौक़ है. मींस मेरे हफ्ते में मींस वीक में ना मुझे मींस मामा तो है ही, गई होती हैं, लेकिन मतलब फ्रेंड्स की एक पार्टी होती है, वन डे पार्टी, तो उसमें हर कोई मुझे स्वीट का डिजर है. तो मुझे स्वीट्स बनानी है, तो उसमें फिर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि मैं डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ और सारा कुछ. तो मींस मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है. मींस और मैं 2 days बाद या 1 day बाद मेरा ये परमानेंट है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर बनाती हूँ स्वीट पे. अच्छा, तो ये कौन से स्पेसिफिक आपका डे होता है, वीकेंड पे कब बनाती हो? मैं मंडे को बनाती हूँ और थर्सडे को. मंडे को कैसे मैनेज करती हूँ? स्कूल तो जाती हो ना? ये स्कूल जाती हूँ, फिर मींस 7 to 8 में ये काम कर लेती हूँ, और मैं इसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि स्टडी तो बस आज भी मैं फ्री हुई हूँ, और अभी मैं बिजी थी मोबाइल में, बिकॉज 2 days से मैं एग्जाम्स हो रहे थे, और अभी मैं फ्री हुई हूँ तो आज मैं शायद बनाऊँ. और अच्छा, तो क्या प्लानिंग, क्या बनाओगी, ऐसा क्या है? आज मैंने कपकेक्स बनाने हैं. अच्छा, कपकेक्स, नाइस. मुझे याद है कि मैं इतना कपकेक्स पहले शौक से खाया करती थी, अब तो वो टाइम, यू नो, इट्स चेंज. बट एनीवेज मुस्फरा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. बाय बाय गाइस, वी आर गोना बी गोइंग फॉर अ ब्रेक. डू नॉट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स प्रॉब्लम. वेलकम बैक टू द ब्रेक गाइस, यू आर वाचिंग गर्ल्स प्रॉब्लम. आई डोंट नो व्हाट दैट सॉन्ग था, फॉल्स लाइक यू नो फ्लिपिंग माय हेयर, पता नहीं क्या था. बट एनीवेज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर योर पैशंस एंड योर गोल्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. आप कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है. कॉल के साथ साथ आप मैसेज भी मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं, विच इज बेक्स खान, BECKS
space KHAN और जो है आज हम बात कर रहे हैं passions and goals के बारे में. passion different होता है, goals अलग होते हैं. goals जो आपको achieve करने होते हैं, long term आपके जो goals होते हैं और aims भी. I've studied this in sociology when I was in Willsboro, मुझे याद है. इसमें मुझे बहुत confusion होती थी and that was just like बहुत ही कुछ होते हैं आपको समझ नहीं आता कि क्या teacher पढ़ाए and all that. but anyways that's just totally off the topic. but anyways हमारे पास call है. hello. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं माधवीन बात कर रही हूँ. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा आप? पहली बार कॉल किया आपने? जी पहली बार. मैं इस वक्त भी की थी ना इस वजह से. अच्छा आपकी फ्रेंड ने भी की थी? जी. क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? जैनब. जैनब ने कॉल की थी. अच्छा आप ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं सिक्स क्लास में पढ़ती हूँ. सिक्स ग्रेड में आप? ओह माय गॉड. अच्छा सही. तो कॉल आप कब से वैसे ट्राई कर रही थी? मैं अभी कॉल ट्राई की थी और अभी भी नहीं. चलो खुशी बहुत हो रही है मुझे ऐसे लग रहा है आपकी आवाज से. यस. अच्छा ये बताएं कि क्या मतलब पढ़ाई के साथ साथ क्या शौक है आपको करने का? मुझे डॉक्टर बनने का शौक है बड़े होकर, लेकिन साथ साथ सिंगिंग का भी बहुत शौक है कि डॉक्टर बनने के बाद. अच्छा तो सिंगिंग आपका फिर पैशन हो गया, डॉक्टर आपका जो एक गोल हो गया. हम यही कर रहे थे ना अभी. हाँ. तो आपने सही आंसर दिया हमें. अच्छा तो सिंगिंग का मुझे ये बताया, आप हमें कुछ सुनाएंगी आज? हाँ जरूर. अच्छा ओके क्या सुनाएंगी आज हमें? वीर का वो सॉन्ग है ना आजकल जो चल रहा है टीवी पे वो वाला. चले सुनाए. ओके. मुझे खुद पर भरोसा है मैं कर जाऊंगी, मैं उसे पहाड़ों को सर कर जाऊंगी. ये लाजिम है कि एक दिन मैं भी उड़ जाऊंगी. जनू है ये मेरा, मैं खुद से ही लड़ जाऊंगी. हम दुनिया बदलने के हमने खाई है दिल की कसम. आसमां छूलेंगे छूलेंगे हम दिल के राजूलेंगे के जल चल है कितने सितम. हम रोती यादों को भूलेंगे भूलेंगे हम. Woohoo, that was great. अच्छा तो कब से बचपन तो अभी आपका शुरू आपकी तो you know your life has just started. तो आपने कब से सिंगिंग स्टार्ट की? अभी तो सिक्स ग्रेड में हो, कब से स्टार्ट की सिंगिंग? थर्ड क्लास. अच्छा तो स्कूल में कोई ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करती हो सिंगिंग के? पार्टी में होते थे जब स्कूल में पार्टीज होती है. हाँ तो आप पार्टिसिपेट करती हो? जी आप पार्टिसिपेट करती हो? हाँ मैं करती भी और विन भी करती हूँ. अच्छा ये तो अच्छी बात है क्योंकि कुछ लड़कियाँ होती हैं कि बोलती हैं कि स्टार्टिंग में आप क्या फील कर रही होती कि मैं विन करूंगी या पहले से ही डर. हाँ, लगता है कि नर्वस होती हूँ कि मैं जीतूंगी या नहीं. नर्वस नहीं होती कि जो मुझे पता होता है आई एम द बेस्ट. Oh my God, ये तो अच्छी बात है. यही कॉन्फिडेंस और यही बिलीव अपने में होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट और यही अपनी थिंकिंग रखेंगे तो यू नो यू गोना गो फार इन लाइफ इंशाल्लाह. ओके थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय. ओके अच्छा जी ब्रेक भी आ गई और हम यहाँ बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली यू कैन कॉल अस लाइव एज़ वेल अगर आपको भी बात करनी है, अगर आपको भी सिंगिंग हमें सुनानी है सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट एज़ वेल. टॉपिक आज का मेरा ये है, हमारा ये है आप लोगों के लिए, व्हाट आर योर पैशंस एंड योर गोल्स. कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमें बताएं कि आपका क्या ऐसे गोल्स हैं. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू बी गोइंग फॉर ब्रेक. गाइस डू नॉट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स पब्लिक. Okay, we're back from the break, guys. You are watching Girls Republic. Today, our topic for you guys is, what are your passions and your goals? Sometimes some people, they just are too scared to like, you know, होता है इस तरह. मैंने देखा है कि sometimes achieve करने में उनको बहुत ही एक fear होता है कि, you know, sometimes, पता नहीं इसका fear होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. Feedback मेरे page पर drop कर सकते हैं, which is Becks Khan. Call भी कर सकते हैं, call करके हमें बताएं कि आपके आपके क्या गोल्स हैं और क्या पैशन हैं. और ARY Musik का भी हमारा पेज है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड जो जिस तरह के सिंगिंग के रिलेटेड आपको बहुत इंटरेस्ट है. तो आप उसके लिए आप ARY Musik के पेज पे जाएं, फेसबुक पर जस्ट टाइप इट ARY Musik पेज.
या फिर आपको किसी शो पर आना हो, मेड इन पाकिस्तान में आना हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ARY म्यूजिक पर अपनी जो ऑडियो ट्रैक या कुछ भी अपना कुछ वीडियो है सेंड कर सकते हैं ARY म्यूजिक पर, और जो है यू नो सपोर्ट इट्स पे लाइक दैट. एनी वेज पेज उसके साथ साथ आप ARY का भी लाइक करें, और जो है हमारे पेज पे जो अभी मुझे फीडबैक जो आ रही है टॉपिक के रिलेटेड, आई डोंट सी एनी फीडबैक गाइस, और फिर आप लोग बोलते हैं कि रीड आउट नहीं करती क्योंकि भाई आप लोग जो है मुझे टॉपिक के रिलेटेड नहीं करते, दैट इज वाई. एनी वेज हमारे पास कॉल है. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? ये अब्दुल बासित, आपको एक गाना सुनाएगा. अच्छा जी जी जी, ये अब्दुल गाना जी. ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा आप ये बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 6. क्लास 6 में हो. अच्छा ये बताओ कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या शौक है करने का? सिंगिंग तो आपका हमें पता है कि आपको सिंगिंग का शौक है, उसके साथ साथ क्या शौक है आपका? वैसे तो इंटरेस्ट में ज्यादा है, मुझे क्रिकेट भी अच्छा लगता है. अच्छा क्रिकेट का शौक है, तो जब स्कूल खत्म होता है तो स्कूल के बाद आप चले जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए? मोस्टली यही बच्चे कर रहे होते हैं आजकल. अच्छा चलो तो हमें सिंगिंग करके सुनाओ कुछ गाना, कुछ सुना दो हमें. सम्मी मेरी बात सुना दो. ओके. ओ जाने क्यों तो अगता है यूं कोई है, मेरे रूबरू मैं देखूं जहां, नजर ना तू है कहां गई, मुझे है नदाए कैसा दिल पे वार किया रे, जीना मुझसे बड़ा जिया रे, जीते जीते मार दिया रे, वो समझी मेरी वार मैं वारी ऐ वार याद समझिए, समझी मेरी वार मैं वारी मैं वार याद समझिए, हो गली गली एक तारा मैं अकेला, गीत तू है अलबेला, जब मिले तो ढोल बाजे समाधम, अपना जीवन एक समंदर, तू है सीपी उसके अंदर, और मोती जगमगाए चमाचम, कैसा दिल पे वार किया रे, जीना मुझसे बड़ा जिया रे, जीते जीते मार दिया रे, वो समझी मेरी वार मैं वारी मैं वारी समझिए. Oh, YT, that was amazing, full of energy there. Thank you so much for calling up to. It was so nice talking to you and hearing your voice as well. Achha, my son, abhi hum break pe jaane guys. Do not go anywhere. Keep watching Girls Public. Welcome back from the break, guys. You are watching Girls Republic. Aaj ka hamara topic hai wo ye hai ki what are your goals and your passion? You can just call us live and just have a little bit of chat with us. Call karke aap humse baat kare, hame bataye ki aapka kaun se aise goals hain, passions hain jo aap hamare sath share karna cha rahe hain. Aur saath saath aap log mujhe messages bhi aa rahe hain. Ye last link hai hamara, I think. और इस लिंक में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे. कल तो टाइम नहीं मिला, उससे एक दिन पहले भी टाइम नहीं मिला, लेकिन आप ARY म्यूजिक के पेज पे जाके यू कैन जस्ट हिट लाइक बटन ऑन ARY म्यूजिक पेज. फेसबुक पे जाएं, ARY म्यूजिक के पेज को लाइक करें, और वहाँ पे कोई भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है सिंगिंग रिलेटेड, आप सेंड कर सकते हैं अपनी ऑडियो ट्रैक और एनीथिंग ARY म्यूजिक के पेज पे. और आपकी जो फीडबैक है जो हमारे शो के रिलेटेड है, वो भी हमें मेरे पेज पे कर सकते हैं या ARY म्यूजिक के पेज पे कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील लाइक. ओके सारा मुनाफ का हमें मैसेज आया हुआ है. I want to go for a world trip, world tour. Sara, I think
ये तो बहुत ही वो आई थिंक एडवेंचरस खाना है. यू सीम लाइक अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, बिकॉज मुझे भी खुद शौक है कि वर्ल्ड टूर हो और यू नो जस्ट हैव अ वेरी गुड टाइम. और ये होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे यू नो दैट्स एक्चुअली गोना बी रियली यू गोना बी हैविंग अ रियली गुड टाइम विद योर फैमिली. यू गोना बी मेकिंग मेमोरीज एंड स्टफ, गुड मोमेंट्स. जस्ट ना कहते हैं हम जस्ट टेक अ पिक्चर एंड क्लिक एंड जस्ट सेव दैट मोमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बिकॉज अब आजकल तो ये हो गया कि हर जगह पिक्चर्स चल रही होती हैं, कैमरा लाइक दिस कैमरा इज एवरीवेयर ऑन योर फोन एंड योर वॉट नॉट. एंड एनीवेज इस तरह ही होता है कि आप जो है पिक्चर्स में आपकी मेमोरीज हो जाती हैं. जिस तरह आज भी मैंने अभी फेसबुक पे जो हमें मेमोरीज आजकल न्यू आ गया है, आपकी न्यूज़ फीड पे आ रहा होता है कि सी ओ मेमोरीज एंड स्टफ लाइक दैट. तो 3 साल हो गए मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की एक पिक्चर थी उस पर लिखा हुआ था इट्स बिन 3 ईयर्स जो आप लोगों की एक मेमोरी पिक्चर हमारी कोई आई हुई थी न्यूज़ फीड पर. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड इट्स बिन एजेस, लाइक इतना टाइम हो गया हमारी जो फ्रेंडशिप जो चल रही है. एनीवेज हमारे पास कॉल है. अच्छा जी कॉल ड्रॉप होगी आप लोग के और मैं मैसेजेस पढ़ूंगी. अच्छा शुमाइला हमें कह रही हैं कि मेकअप टिप्स. अच्छा मेकअप टिप्स मुझसे बहुत आजकल लड़कियां मांग रही हैं और मैं जो है मेकअप टिप्स आप लोग देखती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली आप लोग ये बताएं कि मेकअप में आप ऐसी कौन सी टिप्स मांगना चाह रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि रिलेटेड टू योर आई मेकअप या फिर समर रिलेटेड या फिर विंटर्स के जो आजकल सीजन चल रहा है. इफ़ यू फ्रॉम नॉर्थ राइट तो विंटर में तो बहुत ही आप लाइक यू कैन जस्ट डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ विथ योर मेकअप. अगर आपको इफ़ यू लाइक वेरी मच इन टू रेड लिपस्टिक, जो कि मैं नहीं हूँ उतना, रियली अवॉइड डार्क कलर्स. मुझे डार्क कलर्स इतने नहीं अच्छे लगते, लेकिन आई जस्ट टेंड टू लाइक स्टे विद देम लाइट कलर्स. यू नो लाइट कलर्स क्योंकि मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो इट्स लाइक हर किसी का अपना अपना डिफरेंट होता है. इफ़ यू थिंक कि आपके वहाँ पर अगर जहाँ पर भी आप हैं जिनके मुझे मैसेज आए हुए मेकअप टिप रिलेटेड. अच्छा एक सेकेंड अभी मेरे क्या मुझे क्या कह रहे हैं आप. मरियम मलिक को मैं थैंक्स बोल रही हूँ क्यों. ओके मरियम थैंक यू सो मच दैट मीन्स अ लॉट. अच्छा आप आई थिंक मैंने आपसे भी लाइव स्ट्रीम पे हम लोग लाइव स्ट्रीम पे थे तो आप आई थिंक ये वो ही थी. हाँ मरियम मलिक आई थिंक यू वॉचिंग द शो. कॉल भी कर सकती हैं, ट्राई करें शायद कॉल मिल जाए एंड वी कैन जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ चैट एज़ वेल. इट्स गोना बी वेरी गुड टू नो कि आपके क्या गोल्स हैं क्या पैशंस हैं. Passions. Anyways, aap log ke aur message jo aaye mein, I'm just gonna have a, just gonna go through for the last time. Anika ka message aaya, you're looking nice today. I'm okay. How's you now? Acha ji, Anika, aap mujhse puchhe, main kaisi hu? Main theek hu. Mera jo haath ka incident hua tha, thoda ajeeb sa incident tha, jo maine aap logon ke saath share nahi kiya. Lekin mere haath ko wohi mera haath darwaze mein half aa gaya tha. Just you know. हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें. खैर अभी हाथ थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन माई थंब इज़ जस्ट एक्टिंग ऑफ. टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है आजकल, तो हमें बस टाइपिंग की पड़ी होती है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आप अपनी फीडबैक मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं विच इज़ बेक्स खान. कल भी हम लाइव होंगे, कल थर्सडे का हम लाइव होंगे और मंडे टू थर्सडे हम लाइव आते हैं. अगर आपको रिपीटेड शो देखना है आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं ARYMusic.tv गर्ल्स रिपब्लिक टाइप करें गूगल पर आ जाएगा और यूट्यूब पर भी लिंक्स आ जाते हैं और जो है रात को भी रिपीट होता है 2:30 बजे आई थिंक. फॉर नाउ गाइस I'm going to be signing off. You guys take care of yourself and I'll see you later. Bye-bye.